लेखन एक राजनीतिक कार्य है जो सामाजिक असमानता की ओर हमारी आंखें खोलता है। इस उद्देश्य के लिए वह कल्पना के पर्दे को फाड़ने के लिए भाषा को चाकू के रूप में उपयोग करता है। यह कहना है और मानना है एनी का। जी हाँ, इस बार की नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांस की लेखिका एनी एर्नो। और आज सारे सुखन हमारे में बात साहित्य के नोबेल की। बयासी वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नो लिखने की आजादी में विश्वास रखती हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका काम समझौता नहीं करता और वह साफ सुथरी सरल भाषा में लिखती हैं। रॉयल स्वीडिश अकादमी ने 6 अक्टूबर को फ्रांस की लेखिका एनी एर्नो को साहित्य क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया। नोबेल एकेडमी के अनुसार एनी को साहस और नैतिक सटीकता के साथ साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए चुना गया। बतौर लेखक उनका संघर्ष काफी लंबा और मुश्किल भरा रहा। 1940 में जन्मी एनी अपने लेखन में लिंग, भाषा और वर्ग से जुड़ी असमानताओं को उजागर करती है। उनकी किताब यह समझने का प्रयास करती है कि कैसे महिला चेतना में अपमान बोध का निर्माण किया जाता है और कैसे लड़कियां निजी जीवन में अपने प्रति राय बनाती हैं। एनी ने करीब 40 किताबें लिखी हैं। इनमें ज्यादातर फ्रेंच में हैं, कुछ का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इनमें पैशन सिंपल, लॉ पैलेस, द ईयर्स, ए फ्रोजन वुमन, हैपनिंग्स और डू व्हाट और द एल्स शामिल हैं। आत्मकथात्मक लेखन के लिए स्त्री के जीए यथार्थ को पूरी बेबाकी के साथ लिखने के लिए मशहूर एनी एर्नो कहती हैं, सारी छवियां गुम हो जाएंगी जो वास्तविक हैं या काल्पनिक, जो पूरे रास्ते हमारी नींद तक हमारा पीछा करती हैं। एक लम्हे की छवियां अपने अकेले की रोशनी में नहाई हुई है। ये सब एक ही समय गायब हो जाएंगी, उन लाखों छवियों की तरह जो आधी सदी पहले गुजर चुके हमारे परदाताओं के ललाट के पीछे थी, और अपने अभिभावकों की तरह भी जो अब नहीं रहे। वे छवियां जिनमें हम उन वजूदों के बीच नन्ही लड़कियों जैसी दिखती थीं, जो हमारे पैदा होने से पहले गुजर चुके, ठीक उसी तरह जैसे हमारी अपनी स्मृतियों में हमारे अभिभावकों और सहपाठियों के बाद हमारे बच्चे हैं, और एक दिन हम अपने बच्चों की स्मृतियों में नजर आएंगे, अपने परपोतों की स्मृतियों में और उन लोगों में जो पैदा ही नहीं हुए। यौन इच्छा की तरह स्मृति भी कभी नहीं रुकती, यौन इच्छाओं की तरह स्मृति भी कभी नहीं रुकती। यह जीवितों को मृतों से जोड़ती है, वास्तविक को कल्पना से और स्वप्न को इतिहास से। इसी के साथ आपको याद दिला दें कि पिछले साल यानी 2021 में तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें पुरस्कार अपने मूल स्थान से विस्थापित लोगों और उस जगह पर पड़ने वाले प्रभाव को अपनी कृतियों के जरिए दर्शाने के लिए दिया गया, जहां विस्थापित अपना नया घर बसाते हैं। गुरनाह ने अपने जीवन में इससे जुड़ी मुश्किलों का सामना किया। और आपको याद दिला दें, 1901 से नोबेल पुरस्कार साहित्य, विज्ञान, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए दिए जाते हैं।
पहले साहित्यिक विजेताओं में अर्नेस्ट हेमिंग्वे, गैब्रियला मार्केज, टोनी मार्सन जैसे उपन्यासकार, लुइस गलक, पाब्लो नरुदा, जोइस ब्रोडस्की, विश्वास शिम्बोर्स्का और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि, हेरोल्ड पिंटर और यूजीन ओनिल सहित अनगिनत नाटककार शामिल हैं इस लंबी सूची में। विश्वख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान बनी, भारत का राष्ट्रगान जनगणमन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, गुरुदेव की ही रचनाएं। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला में रचित गीतों का संग्रह है। 1910 में प्रकाशित गीतांजलि के लिए आपको 1913 में साहित्य का नोबेल मिला। उनकी एक रचना है जिसका बांग्ला से हिंदी अनुवाद प्रयाग शुक्ल ने किया है, हो चित्त जहां भय शून्य मात हो उन्नत, हो ज्ञान जहां पर मुक्त खुला यह जग हो, घर की दीवारें बने न कोई कारा, कारा यानी जेल, हो जहां सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का, हो लगन ठीक से ही सब कुछ करने की, हो नहीं रूढ़ियां रचती कोई मरुथल, पाए न सूखने इस विवेक की धारा, हो सदा विचारो कर्मों की गतो फलती, बातें हो सारी सोची और विचारी, हे पिता मुक्त वह स्वर्ग रचाओ हम में, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा। और दोस्तों, आज जब देशभक्ति और राष्ट्रवाद का शोर, अंधा क्रूर शोर हमारे कानों को परेशान कर रहा है, हमारे जहन को बिल्कुल विस्मृत कर रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी है राष्ट्रवाद के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार को जानना, उसे मथना। 1908 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की पत्नी अबला बोस ने राष्ट्रवाद पर एक आलोचना लिखी थी और इसके जवाब में टैगोर ने जो कहा, ध्यान से सुनिए। देशभक्ति, देशभक्ति मेरे लिए मेरा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता है। देशभक्ति मेरे लिए मेरा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता है। मैं हीरे की कीमत में शीशा नहीं खरीद सकता हूं, मैं हीरे की कीमत में शीशा नहीं खरीद सकता हूं। जब तक मेरा जीवन है, मैं देशभक्ति को मनुष्यता के ऊपर देशभक्ति की जीत हावी नहीं होने दूंगा। बताया जाता है कि यह पत्र 1997 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक टैगोर के चुने हुए पत्रों में संग्रहित है। अब आपको एक और नोबेल विजेता से परिचय कराते हैं, हालांकि उनकी प्रसिद्धि भी नोबेल से आगे है। वह कवि पाब्लो नेरुदा। पाराल चीना में 1904 में जन्मे नेरुदा को वर्ष 1971 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका कविता के लिए कहना था कि एक कवि को भाईचारे और एकाकीपन के बीच, एक भावुकता और कर्मठता के बीच वह अपने आप से लगाव और समूचे विश्व से सौहार्द तथा कुदरत के उद्घाटनों के मध्य संतुलित रहकर रचना करना जरूरी होता है और वही कविता होती है। बिल्कुल सही। आइए पढ़ते हैं उनकी एक कविता के कुछ खास हिस्से जिसका शीर्षक है जहाज। उसका हिंदी अनुवाद लेखक और पत्रकार मोहन थपलियाल ने किया था। हम पहले ही किराया चुकाकर आए हैं इस दुनिया में, हम पहले ही किराया चुकाकर आए हैं इस दुनिया में, तब क्यों तुम हमें बैठने और खाने नहीं देते? हम बादलों को देखना चाहते हैं, हम धूप में नहाना चाहते हैं और नमकीन हवा को सूंघना चाहते हैं। ईमानदारी से तुम यह नहीं कह सकते कि हम दूसरों को सता रहे हैं, यह बहुत आसान है। हम राहगीर हैं, हम सब यात्रा पर हैं और वक्त हमारा हम सफर है, और वक्त हमारा हम सफर है।
इसी के आगे वह कहते हैं कि समुद्र गुजरता है या गुलाब के फूल अंतिम विदा कहते हैं। समुद्र गुजरता है, गुलाब के फूल अंतिम विदा कहते हैं। अंधकार और रोशनी के नीचे पृथ्वी गुजरती है और तुम हम सभी यात्री गुजरते हैं। तब तुम्हें सताता है क्या? तुम क्यों इतने गुस्सैल हो? उस पिस्तौल को ताने हुए तुम किसे ताक रहे हो? हम नहीं जानते कि सब कुछ लिया जा चुका है, प्याले, कुर्सियां, बिस्तर, आईने, समुद्र, शराब और आसमान। अब हमसे कहा गया है कि कोई मेज नहीं हमारे लिए शेष। अब हमसे कहा गया है कोई मेज नहीं हमारे लिए शेष। यह नहीं हो सकता, हम सोचते हैं। तुम हमें आश्वस्त नहीं कर सकते। तब अंधेरा था जब हम इस जहाज पर पहुंचे थे। हम निर्वस्त थे। हम सभी एक ही जगह से आए हुए थे। हम सभी औरतों और आदमी से आए थे। हम सभी भूख से परिचित थे और तब हमारे दांत उगे, काम के लिए हमारे हाथ उगे और आंखें यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। और तुम नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते कि यहां जहाज पर कोई कमरा नहीं। जहाज एक रूपक है, इसे आप समझने की कोशिश करें। आइए अब हम बात करते हैं 1996 में नोबेल पुरस्कार विजेता कवि विश्वास शिम्बोर्स्का की। शिम्बोर्स्का 2 जुलाई 1923 में पश्चिमी पोलैंड में पैदा हुई थी। वह हमेशा कहती थी और हमेशा कहती रही कि उनकी कविता व्यक्तिगत है, राजनीतिक नहीं। लेकिन यह एक सच्चाई है कि जिंदगी बार बार राजनीति से गुजरती है। नोबेल सम्मान लेने के बाद उन्होंने फिर कहा, मेरी कविताएं लोगों और जिंदगी के बारे में है। आइए अंत में पढ़ते हैं उनकी एक कविता के कुछ हिस्से, जिसका शीर्षक ही है अंत और आरंभ। हर युद्ध के बाद किसी ना किसी ने चीजों को तरतीब वार लगाना होता है। चीजें आखिर खुद को उठा तो नहीं सकती। किसी ना किसी ने मलबे को किनारे लगाना होता है ताकि लाशों से भरी गाड़ियों के लिए रास्ता बन सके। किसी ना किसी को गुजरना ही होगा गंदगी और राख, सोफों के स्प्रिंग, कांच के टुकड़ों और खून सने चीथड़ों से होकर। किसी ना किसी को लादने होंगे खंबे, दीवार खड़ी करने के वास्ते किसी ने साफ करना होगा खिड़की को और चौखट में जमाना होगा दरवाजों को। न ध्वनियां, न फोटो खिंचवाने के मौके, और यह करने में सालों लग जाने होते हैं। सारे कैमरे जा चुके दूसरे युद्धों की तरफ, पुलों को दोबारा बनाया जाना है, रेलवे स्टेशनों को भी। आस्तीनें मोड़ी जाएंगी, तार तार हो जाने तलक। किसी ना किसी को लेटना होगा यहां घास पर, जो ढके हुए है कारणों और परिणामों। मक्के के पत्ते से छांटा गया तिनका दांतों में दबाए किसी मूर्ख की तरह बादलों को ताकते हुए। तो आज सारे सुकन हमारे में इतना ही। अब अपने दर्शकों और साथियों से एक अपील। आज के दौर में जहां स्वतंत्र मीडिया पर तलवार लटक रही है, खबरों पर पहरा है, तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यमों को बचाए रखना। न्यूज क्लिक आपके लिए लाता है मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, यानी जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई खबरें, जिन्हें मुख्यधारा में ना के बराबर दिखाया जाता है। हम न केवल राजनीति बल्कि विज्ञान, कृषि, तकनीक और साहित्य से जुड़ी खबरों और उनके अनगिनत पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं, जिन पर चर्चा बहुत कम होती है। ऐसे में न्यूज क्लिक को आपके साथ और समर्थन की बेतरह जरूरत है, बहुत जरूरत है। हमारी बेबाक और स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दें, हमें सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए लिंक्स पर जाएं
और हमें अपना समर्थन दें। ये लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। शुक्रिया। सलाम।